हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। तो हमेशा की तरह मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ फाउंडेशन सीरीज, जो हर अल्टरनेट डे सुबह के 9 बजे आपको प्रोवाइड किया जाता है फॉर RBWM कॉम्पोनेंट। तो आज मैं यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट लेकर नहीं आई हूँ। अभी भी हम यहाँ पर MCQs को कर रहे हैं, यानी कि हमने जो मॉड्यूल बी का MCQ स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको पार्ट वन पार्ट टू दे दिया है। पार्ट टू में आपके चैप्टर 9 से लेकर के चैप्टर 12 तक के सारे MCQs जो एग्जाम में आए थे वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं पार्ट थ्री, जिसमें हम पूरा कवर करेंगे 13-16, जो कि हमारा मॉड्यूल बी चैप्टर 16 तक है। इसके बाद से हमारा मॉड्यूल सी स्टार्ट हो जाता है, तो हम इसके कुछ MCQs यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले मैं आप सभी से बताना चाहती हूँ, अगर किन्हीं ने भी हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। ये सारे के सारे सीरीज काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइज, प्लीज़ एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, अच्छे से यहाँ पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, और इस तरीके के क्वेश्चन घर पर बैठ के आप और भी ज़्यादा जो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ उसको घर पर प्रैक्टिस करें। आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, एग्जाम की प्रिपरेशंस में थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, आज हम चैप्टर 13 का MCQ करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, हु कॉइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चार ऑप्शन है, जॉन मैकार्थी, डेविड ब्रेडली, चार्ल्स बेबिस एंड एलन ट्यूरिंग। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जॉन मैकार्थी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन इन द बैंकिंग टेक्नोलॉजी। आपके पास चार यहाँ पर ऑप्शन है, फिजिबिलिटी एनालिसिस, इंप्लीमेंटेशन प्लानिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इंट्रोड्यूस फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन। चार ऑप्शंस है, बैंक ऑफ अमेरिका, SBI, सिटी बैंक एंड PNB। क्या होगा इसका आंसर? बैंक ऑफ अमेरिका इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। Now, the next question is, which among the following statement is or are correct with respect to the bank chain initiative announced in India? तीन आपके पास ऑप्शन है, बैंक चेन वॉज अनाउंस इन 2017 बाय द RBI एंड इट इज अ 30+ मेंबर कॉन्सोर्टियम लेड बाय द SBI, द कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर। इट इंक्लूड्स बैंक, NBFCs एंड द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बहुत ही बेसिक से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बैंक चेन के बारे में, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेकेंड एंड थर्ड जो है आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, उसके MCQs को देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, विद इन विच टाइम पीरियड द पोजीशन नोटिस शुड बी पब्लिश्ड इन टू लीडिंग न्यूज़पेपर, वन ऑफ विच शुड बी इन वर्नाकुलर लैंग्वेज अंडर द सरफासी एक्ट 2002। तो आपके पास चार ऑप्शन है, एक मंथ, 15 days, 7 days एंड नो टाइम पीरियड मेंशन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 days। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अप टू व्हाट अमाउंट लिमिट रिकवरी ऑफ NPA थ्रू लोकसभा कैन बी डन। तो आपको कितने अमाउंट का लिमिट होता है रिकवरी करने के लिए जो लोकसभा लोक अदालत में? तो क्या होगा? चार आपके पास ऑप्शन है, 1 lakh, 10 lakh, 20 lakh एंड 25 lakh। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, यानी 20 lakhs। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हेन डज द एसेट क्लासिफाइड एज अ लॉस एसेट। अब कुछ लोगों को मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ। बहुत लोग मुझसे बोलते हैं, मैम आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया, वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया। सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं। मैं आपको बता दूं, आप एक काम करेंगे, मेरे दो सीरीज चलते हैं। पहला है आपका फाउंडेशन जो अभी आप देख रहे हो, एक है मेरा 50 days 50 marks का RBWM कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कॉम्पिटेंस से रिलेटेड, ये दोनों सीरीज हैं मेरे, ठीक है? तो आप एक बार दोनों को देखेंगे। जब आप मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप दोनों को फॉलो करें, ठीक है? दोनों में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स इसमें और कुछ कॉन्सेप्ट उसमें पढ़ाए हैं, तो आप लोगों को ज्यादा जो है परेशान नहीं होना है, यहाँ पर भटकने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा नहीं सोचना है। जाएं और दोनों के दोनों सीरीज को आप देखें, आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज इसका फायदा उठाएं, फ्री है बिल्कुल आपके लिए, तो पढ़ने में क्या जा रहा है, आराम से पढ़े इसको, है ना? चलिए इसके हम यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं, देख लेते हैं। पहला है, द रियलाइजेबल वैल्यू एसेस्ड एज लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। दूसरा है,
The realizable value of security is less than 50% of the loan amount. The NPEs remain as doubtful for at least less than 12 months. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Which of the following guidelines regarding recovery agents are correct? चार ऑप्शन है. बैंक मस्ट हैव अ ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस फॉर एंगेजिंग रिकवरी एजेंट इंक्लूडिंग वेरिफिकेशन ऑफ देयर एंटीसीडेंट्स. बैंक्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म बोरोवर्स अबाउट द डिटेल्स ऑफ रिकवरी एजेंसीज. रिकवरी एजेंट्स कैन ऑपरेट विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन और ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम द बैंक. Bank should not conduct re-verification of antecedents of recovery agent after the initial verification. June में आया हुआ ये question है. क्या होगा इसका correct answer? Option number A is the correct answer over here. चलिए next पे चलते हैं. Chapter 15 पे. अब इसके MCQs देखते हैं. The humanistic factor affecting the implementation of MIS in public organizations are lack of understanding of employee software and information system, inadequate education of users, lack of participation of managers and users in the system design, and the lack of investment in the environmental aspects. Simple sa sawal hai, simple sa iska jawab hoga. Option number C is the correct answer over here. Now, the next question is, which environmental factor can negatively impact the effectiveness of an MIS? Char option hai. Overuse of software tools, lack of suitable consultants for designing the system, excessive training session and availability of new technology. तो क्या होगा इसका correct answer? Option number B is the correct answer over here. Next question, what is the primary component to be included in the design of an MIS for a bank? Customer database, marketing strategy, office layout या business infrastructure? क्या होगा इसका correct answer? Option number A is the correct answer over here. Now, what should an MIS focus to enhance the business promotions and growth? Char option hai, employee satisfaction survey, data collections from various sources to analyze business trends, office space management and daily transactions volume. Kya hoga correct answer? Option number B jo hai, yahan par correct answer hoga. Chaliye, aage chalte hain aur hamara chapter 16 jo ki hamare मॉड्यूल बी का लास्ट चैप्टर है उसके कुछ एमसीक्यूज देखेंगे. लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शंस में देने हैं. यहां पर मैं जितने भी क्वेश्चन आपसे करा रही हूं ना, कोशिश करें वीडियो पॉज करके उस सवाल का जवाब खुद ढूंढे. अगर समझ में ना आए देन आप यहां पर आगे वीडियो को प्रोसीड करके देखिए कि इसका क्या करेक्ट आंसर है. सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं तो डोंट वरी अबाउट दैट. आपको यहां पर वीडियोस भी मिल जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड. बाकी और भी कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं तो अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं कि मैम कुछ कॉन्सेप्ट तो रह गया है. तो ऐसा नहीं है, सारे आपके कॉन्सेप्ट मैं ला रही हूँ. धीरे धीरे वो वीडियोज आएंगे, आप उनको देखेंगे और उससे प्रैक्टिस करेंगे. चलिए क्वेश्चन है, स्टेजेस विच आर फॉलोड इन सिक्योरिटाइजेशन. तो आपके पास चार ऑप्शन है. Sale of illiquid assets to a special purpose vehicle. Loan amounts is repaid by the retail customer and investors buying securities. Or both A and C. क्या होगा correct answer? इसका correct answer होगा both A and C. चलिए next question पे चलते हैं. Why did the Indian Bank Association reconsider the concept of bad bank during the pandemic? क्यों भाई क्यों किया था इन्होंने reconsider इसको? To increase profitability, to address the increase in NPAs and to expand banking services and to enhance digital banking capabilities. To address the increase in a NPA. यानी कि option B is the correct answer. Next question है, how does securitization help bank to reduce the need of additional capitals? क्या होगा? चार options है, by increase the interest rate on the loan, by removing loan from their balance sheet, by offering more loans to the customer, by lowering the cost of deposit. क्या होगा correct answer? Option number B is the correct answer over here. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर द आरबीआई टू ग्रांट अ लाइसेंस टू एनएआरसीएल. चार ऑप्शन है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, कंपनीज एक्ट 2013, सरफासी एक्ट 2002 एंड आरबीआई एक्ट 1934. बड़ा ही बेसिक सा इजी सा क्वेश्चन है. इस सवाल का जवाब आप सभी को कहां देना है? कमेंट सेक्शंस में देने हैं. गाइस प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट करें. मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप लोग बहुत कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैसे चलेगा, कैसे आप लोग एग्जाम की तैयारी करेंगे? तो प्लीज जो लोग भी यहां पर अक्टूबर के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आप लोग यहां पर सीरियसली एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, कमेंट्स करें.
मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसको पढ़ ही नहीं रहे हो। कोई भी कमेंट्स, काफी कम कमेंट्स आ रहे हैं। आप लोगों से ये एक्सपेक्टेड नहीं है। एटलीस्ट जो लोग सीरियस हैं, कम से कम आप लोग ज़रूर यहाँ पर आएँ, इसका फ़ायदा उठाएं। फ्री कोर्सेज हैं आपके लिए, आपके लिए इतने अच्छे अच्छे मैं क्वेश्चंस लेकर आती हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जाएं और कमेंट करें और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को कोई भी कोर्स रिलेटेड जानकारी लेनी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन द गिवन नंबर। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देती हूँ, hello@edutap.co.in। तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहें, एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।